महोबा जनपद में क्षत्रिय समाज के 74वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर संभाग प्रभारी राजेंद्र सिंह द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। शहर में क्षत्रिय समाज द्वारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजन भी हुआ। इस मौके पर जयपुर संभाग प्रभारी के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। क्षत्रिय धर्म के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए उन्होंने समाज हित में कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। एक्चुअली आज क्षत्रिय युवक संघ के स्थापना दिवस के साथ साथ माँ चंद्रिका महिला महाविद्यालय का भी स्थापना दिवस है, ऐसा संयोग बन गया। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बालक हैं, लड़के और लड़कियां 8 साल 10 साल से लेकर के 25-30 साल तक, उनको ये लोग संस्कारित करने का काम पूरे देश में करते हैं। बालिकाओं का अलग से शिविर लगाते हैं, बालकों के अलग शिविर लगाते हैं और नव दंपतियों के भी शिविर लगाते हैं कि उनको जब शादी हो जाती है तो कैसे जीवन जीना है, और वृद्धों को जो प्रौढ़ हैं जिनके बहुएं आ गई उनका भी शिविर लगाते हैं कि अब ये नए मेहमान नए मालिक आ गए हैं, अब आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो पूरे जीवन को ये कैसे राष्ट्र से समर्पित करते हुए और संयमित बनाने, ये इनका काम है इस संगठन का। मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 74वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्षत्रिय युवक संघ के इस 74वें स्थापना दिवस में पूरे भारतवर्ष में लगभग 74 स्थानों पर ही ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इसमें एक प्रांत का दर्जा दिया है हमने, और उसी के महोबा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से क्षत्रिय बंधुओं को छात्र धर्म की जानकारी देना, समाज उत्थान के लिए कार्य करना, समाज की सेवा करना और युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है।